सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माजून सुपारी पाक के बारे में। जी हाँ साथियों, माजून सुपारी पाक के फायदे कौन कौन से हैं, माजून सुपारी पाक का सेवन किस प्रकार किया जाता है, माजून सुपारी पाक को लेते समय किन किन बातों का परहेज करना है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले जान लेते हैं माजून सुपारी पाक के फायदे के बारे में। साथियों, माजून सुपारी पाक का उपयोग महिलाओं में शारीरिक कमजोरी व गर्भाशय से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि जो महिलाओं में सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, सफ़ेद पानी की शिकायत नई हो या पुरानी, अगर नियमित रूप से महिलाएं माजून सुपारी पाक का उपयोग करती है तो उन्हें सफ़ेद पानी की समस्या से निजात मिलती है। इसके साथ साथ जिन महिलाओं में हाथ पैर तलवों की जलन, हाथ पैरों की भड़कन, पेट का दर्द, नलों का दर्द, कमर का दर्द, घबराहट, चक्कर आना, सर का दर्द, चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगना, जी मिचलाना, खून की कमी, शारीरिक कमजोरी, महिलाओं से संबंधित अनेकों रोगों में माजून सुपारी पाक बहुत ही लाभदायक है। इसके नियमित इस्तेमाल से जो महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित समस्या होती है उनसे निजात मिलती है। जो महिलाएं शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, वो महिलाएं अगर नियमित रूप से माजून सुपारी पाक का सेवन करती है तो उन महिलाओं की शारीरिक कमजोरी दूर होती है। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि माजून सुपारी पाक का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और माजून सुपारी पाक के साथ साथ और कौन कौन सी दवाइयाँ लेने से लाभ मिलता है। आपको लेनी है माजून सुपारी पाक, माजून मोचरस सुपारी पाक और अशोकारिष्ट। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि इन दवाओं का सेवन किस प्रकार करना है। जो माजून मोचरस है वह 10 ग्राम दवा सुबह खाली पेट दूध के साथ सेवन करें। माजून सुपारी पाक शाम को खाने से पहले 10 ग्राम दवा दूध के साथ सेवन करें। अशोकारिष्ट सुबह शाम खाने के बाद 30-30 ml दवा पानी के साथ सेवन करें। सुपारी पाक रात को सोते समय 10 ग्राम दवा दूध के साथ सेवन करें। इन दवाओं को लेते समय गुड़, तेल, खटाई, आम का अचार, डालडा घी वह मांसाहारी पदार्थों का परहेज करें। यह एक आयुर्वेदिक नुस्खा है। इस नुस्खे का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अगर महिलाएं नियमित रूप से इस नुस्खे का उपयोग करती है तो उन्हें गर्भाशय से संबंधित समस्याएं वह शारीरिक कमजोरी से निजात मिलती है। अगर साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।